हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट के टॉपिक के बारे में, जो कि है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स ऑफ 2021। तो 2021 के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो अवार्ड्स होंगे ये होंगे जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं, कुछ इनमें इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं और कुछ नेशनल लेवल के भी अवार्ड हैं, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कल भी हमने आपको बताए थे। और ये देखिए, सभी करंट से रिलेटेड टॉपिक हैं और इनमें ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर, कैबिनेट एंड स्पोर्ट न्यूज, ये सभी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और उसके अलावा कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बुक्स एंड ऑथर के बारे में। तो जो भी जनवरी से जुलाई मंथ की जो भी बुक्स हैं, ऑथर हैं, वो सभी के बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो इस समय एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए आप इन वीडियोज़ को मिस ना करें। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवार्ड्स के बारे में। तो जो भी जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के बीच में इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और इसके अलावा अवार्ड्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, यानी आज तो हम जनवरी 2021 से जुलाई 2021 के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनको कवर करेंगे, और फिर कल की क्लास में हम लोग जो फिल्म अवार्ड्स हैं उनको अलग से कवर करेंगे, जिनमें ऑस्कर अवार्ड्स आ जाते हैं और जो भी फिल्म फेयर अवार्ड हैं या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं सभी के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, जो भी फिल्म अवार्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। तो जो अवार्ड्स हैं उनमें क्या होता है, बेसिकली कि स्टैटिक पार्ट भी होता है और करंट पार्ट भी होता है। तो स्टैटिक पार्ट में क्या होता है, तो देखिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिक्स रहती हैं, जैसे आप कई सारे जो अवार्ड्स हैं उनको आप देखेंगे, जैसे जो परमवीर चक्र है या कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, वो तो हमेशा फिक्स रहते हैं। बट जो उनमें करंट का पार्ट ऐड होता है वो ये होता है कि 2021 में ये अवार्ड किसे दिया गया, बाकी जो स्टैटिक पार्ट है वो हमेशा सेम रहेगा। तो इनमें दोनों पार्ट्स होते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अवार्ड्स स्टैटिक प्लस करंट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें ये आपको 5 वीडियोज मिलेंगे। तो अगर आप इनके बेसिक पार्ट को कवर करना चाहते हैं, यानी जो अवार्ड्स हैं उनके बेसिक पार्ट को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि उनका बेसिक पार्ट भी हमको पता होना चाहिए, यानी जो स्टैटिक पार्ट है वो भी पता होना चाहिए, बाकी करंट के बारे में तो हम आज आपको बता ही रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो भी 2021 के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है, हमने सबसे पहले जो इंटरनेशनल अवार्ड हैं उनको यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है 2021 ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डेविड डायोप। तो आप सभी को पता है बुकर प्राइज किसके लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है लिटरेचर में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं उन वीडियोज को ज़रूर देखें, जिससे आप ये समझ पाएँ कि ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। वैसे तो हम आपको यहाँ पर बताते ही रहेंगे, बट आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो बुकर प्राइज़ है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और इस बार का बुकर प्राइज़ जो पुरस्कार है वो दिया गया है डेविड डायोप को, जो कि फ्रांस के लेखक हैं। डेविड डायोप, इनको ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ दिया गया है इनके नॉवल ऑल नाइट, यानी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, तो ये इनका नॉवल है और इसी के लिए इनको मैन बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अगला अवार्ड है हमारा पुलित्जर पुरस्कार 2021। तो पुलित्जर पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार 2021, और ये दिया गया है मेघा राजगोपालन को दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार 2021, जो कि एक पत्रकार हैं। फिर आता है अगला पुरस्कार प्रियतजर पुरस्कार। तो देखिए नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है, तो इससे भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये है पुलित्जर पुरस्कार और ये है प्रियतजर पुरस्कार, और जो प्रियतजर पुरस्कार है ये दिया जाता है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पत्रकारिता ही टिक कर देते हैं, क्योंकि उनको पुलित्जर और
प्रियतजर में डिफरेंस नहीं पता होता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो प्रियतजर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार ये दिया गया है दो लोगों को, जिनमें है एनी लैकोटेन और जिन फिलिप वासल। तो इन दो लोगों को दिया गया है प्रियतजर पुरस्कार 2021। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य अवार्ड्स के बारे में, जिनमें है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो अभी 2021 की मिस यूनिवर्स बनी है एंड्रिया मेजा। और ये कहाँ से हैं? तो ये हैं मैक्सिकन मॉडल हैं एंड्रिया मेजा, इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। उसके बाद आता है नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, जो नाइटहुड सम्मान है ये ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार है, और देखिए ये एक उपाधि भी है जो दी जाती थी पहले, आपने सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। तो इस प्रकार से ये उपाधि पहले दी जाती थी और अब ये ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है नाइटहुड सम्मान, और ये दिया गया है अभी लुइस हैमिल्टन को। और कई सारी ग्रैंड प्रिंस इन्होंने जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने, और ये हैं फार्मूला 1 ड्राइवर, यानी ये रेसिंग से संबंधित है, जो कार रेसिंग होती है उससे संबंधित ये हैं लुइस हैमिल्टन, और इन्हीं को ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर आता है जायद पुरस्कार जो 2021 है, ये किसे दिया गया? तो ये दो लोगों को दिया गया, जिनमें हैं एंटोनियो गुटेरस और दूसरी हैं लतीफ़ा इब्र जियाटन। तो इन दो लोगों को दिया गया है जायद पुरस्कार। और जायद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मानव बंधुत्व से रिलेटेड, अगर मानव बंधुत्व से संबंधित कोई अच्छा काम करता है तो उसे जायद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसमें है एंटोनियो गुटेरस, इनके नाम से आप परिचित होंगे, ये यूएन के हेड हैं एंटोनियो गुटेरस, और लतीफ़ा इब्र जियाटन ये एक एनजीओ से रिलेटेड हैं लतीफ़ा इब्र जियाटन। उसके बाद आता है अगला प्राइज सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार, और सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार ये दिया गया है केन विलियमसन, जो कि एक क्रिकेटर हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं केन विलियमसन, और उन्हें ही सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये आप इमेज देख सकते हैं, ये हैं डेविड डायोप, और ये इनका नॉवेल है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और इसी के लिए इनको 2021 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं मिस यूनिवर्स एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिकन मॉडल हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम स्पोर्ट स्टार डिकेड ऑफ द ईयर। तो अभी स्पोर्ट्स स्टार डिकेड ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है MC मैरी कॉम को, जो कि एक इंडियन बॉक्सर हैं MC मैरी कॉम, और अभी पार्टिसिपेट भी किया था उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, अनफॉर्चुनेटली वो मेडल नहीं ला पाई, बट उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो MC मैरी कॉम को ही स्पोर्ट्स स्टार डिकेड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद आता है अगला अवार्ड गांधी शांति पुरस्कार है, तो वैसे ये भारत का ही प्राइज, बट ये दिया गया है विदेशी व्यक्ति को, तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार, और शेख मुजीबुर रहमान को ही बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, और ये हैं फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, यानी इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, जैसे अपने यहाँ होते हैं महात्मा गांधी अपने भारत के राष्ट्रपिता हैं, उसी प्रकार से शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, और फाउंडर ऑफ बांग्लादेश भी हैं मुजीबुर रहमान, और इन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि सामाजिक क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। उसके बाद आता है चमेली देवी पुरस्कार 2021, और चमेली देवी जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और ये दिया गया है नीतू सिंह को, जो कि एक पत्रकार हैं, और इन्हें ही चमेली देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। फिर आता है अगला पुरस्कार कलिंग रत्न पुरस्कार 2021, और ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 है ये दिया गया है विश्वभूषण हरिचंद्रन को ये अवार्ड दिया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार।
और ये कौन है, ये हैं एपी के गवर्नर यानी आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और इनको ही कलिंग पुरस्कार यानी कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर, और अगला अवार्ड है यहाँ पर जीडी बिड़ला पुरस्कार। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीडी बिड़ला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में, जो 30 वर्ष से कम उम्र के जो वैज्ञानिक होते हैं और उनकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है जीडी बिड़ला पुरस्कार, और ये इस बार दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को। तो देखिए, जो कोई अगर साइंस के क्षेत्र में अच्छा वर्क करता है और उसकी एज 30 वर्ष से कम है तो उसे जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और इनको एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और देखिए, ये है जीडी बिड़ला पुरस्कार, और यहाँ पर कई सारे कन्फ्यूजिंग अवार्ड और भी हैं बिड़ला के नाम से, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और आपको इनको अच्छी तरीके से याद रखना है। वैसे इन सभी के बारे में हमने बताया जो हमने स्टैटिक वाली वीडियोज इन अवार्ड्स की बनाई है, जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो इसके अलावा जीडी बिड़ला ये पुरस्कार है, उसके अलावा एक और पुरस्कार होता है के के बिड़ला पुरस्कार, ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है के बिड़ला पुरस्कार। एक और पुरस्कार है आरडी बिड़ला पुरस्कार, और ये दिया जाता है मेडिकल क्षेत्र में। तो ये देखिए, बिड़ला के नाम से 3 पुरस्कार हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जीडी बिड़ला साइंस क्षेत्र से, के बिड़ला खेल से, आरडी बिड़ला मेडिकल क्षेत्र से रिलेटेड अवार्ड है। उसके बाद अगला प्राइज आता है व्यास सम्मान 2020, और व्यास सम्मान 2020 इस बार दिया गया है शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया, और ये जो व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, ये दोनों साहित्य से रिलेटेड अवार्ड हैं, साहित्य से रिलेटेड सम्मान है, और ये दिए गए हैं शरद पगारे को, और सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2020 इनके उपन्यास सनातन के लिए। तो इनके उपन्यास सनातन के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान, और शरद पगारे को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारे अगले अवार्ड हैं उनके बारे में भी। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड, और ये दिया गया है, और ये जो अवार्ड है ये है कनाडा का अवार्ड, यानी कनाडा के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड, और ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को, और ये अवार्ड इनको तब दिया गया था जब ये थे शिक्षा मंत्री, तो अभी हम इनको कहेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनको ही हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था। और फिर जब कैबिनेट का एक्सपेंशन किया गया तो वहाँ पर इनको शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया, और अब वर्तमान में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ये है पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को भी लागू किया था, तो इनका नाम आपको याद रखना है। फिर आता है अगला पुरस्कार महात्मा पुरस्कार, वहाँ पर देखिए था गांधी पुरस्कार, ये है महात्मा पुरस्कार, और ये दिया गया है मनीष सिसोदिया को महात्मा पुरस्कार दिया गया है। और मनीष सिसोदिया कौन है, तो ये हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री, यानी जो केजरीवाल सरकार है उसके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, इनको ही महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर आता है अगला प्राइज विश्व खाद्य पुरस्कार, और ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये दिया गया है शकुंतला थिल्स्टेड को ये पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। अगला पुरस्कार आता है नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार, तो जो नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार है ये इस बार दिया गया है रुमाना सिन्हा सैगल को दिया गया है ये प्राइज नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार। तो नेल्सन मंडेला के नाम से आप लोग पहले ही परिचित होंगे, अफ्रीका के एक काफ़ी ग्रेट पर्सनालिटी हैं नेल्सन मंडेला, और इनको गांधी के समकालीन माना जाता है, और अफ्रीका का गांधी इनको कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। बढ़ते हैं अगले प्राइज की ओर, और अगला प्राइज है यहाँ पर छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार। तो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है दुती चंद को, और दुती चंद के बारे में कल हमने एक बुक भी पढ़ी थी फियर्सली फीमेल,
द दुती चंद स्टोरी। तो ये बुक भी हमने कल की क्लास में पढ़ी थी और इनको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है दुती चंद को। उसके बाद क्वेश्चन आता है गणतंत्र दिवस झांकी पुरस्कार 2021। तो जो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 2021 में, तो उसमें आप देखते हैं जो परेड होती है उसमें झांकियों को पेश किया जाता है, तो उसी में सभी राज्य अपनी अपनी झांकी वहाँ पर पेश करते हैं। सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड है वो मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी को। तो यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया था गणतंत्र दिवस पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया देहरादून, जो कि उत्तराखंड का एक शहर है, उत्तराखंड की राजधानी भी है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की, तो वो है गैरसैंण। तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में माना गया। अगला यहाँ पर अवार्ड है ई पंचायत पुरस्कार। तो ई पंचायत पुरस्कार ये किसको दिया गया, ये दिया गया यूपी को। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 का खिताब जीता है। बढ़ते हैं आगे के कुछ अवार्ड्स के बारे में, जिनमें हैं एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है सस्मिता लेनका को। सस्मिता लेनका को ये पुरस्कार दिया गया किसके लिए, पेंगोलिन, जो कि एक जीव होता है पेंगोलिन, उसका संरक्षण करने के लिए। क्योंकि जो सस्मिता लेनका हैं ये एक पुलिस ऑफिसर हैं और इन्होंने जो पेंगोलिन जानवर है, तो इसके यानी इसका जो व्यापार होता था, अवैध व्यापार होता था, उसको इन्होंने उसमें लगाम लगाई इसके और संरक्षण पर ध्यान दिया पेंगोलिन के, इसीलिए इनको एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। तो द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार का खिताब किसे दिया गया, तो ये दिया गया आर के संभरवाल को द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार का खिताब दिया गया। और ये जो अवार्ड है ये कहाँ का अवार्ड है, ये है मंगोलियन अवार्ड। तो मंगोलिया के अवार्ड से सम्मानित किया गया आर के संभरवाल को। तो देखिए जो फॉरेन के अवार्ड होते हैं और किसी भारतीय पर्सन को दिए जाते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके बाद अगला अवार्ड आता है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, और ये दिया गया है कौशिक बसु को। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है, इकोनॉमी के क्षेत्र में। और कौशिक बसु एक इकोनॉमिस्ट हैं और इनसे रिलेटेड कल भी हमने बुक्स पढ़ी थी इनके द्वारा लिखी हुई, तो वो भी आपको याद रखनी है, दोनों चीज़ों को आपको लिंक करके याद रखना है। तो ये देखिए हमारे जनवरी से जुलाई मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे वो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर किए। उसके अलावा हमारे कुछ फिल्म पुरस्कार यहाँ पर बचते हैं, क्योंकि जो 2021 के आस्कर अवार्ड हैं, 2021 के आस्कर अवार्ड हैं, फिल्म फेयर अवार्ड हैं जो 2021 में दिए गए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2021 में दिए गए, कौन इनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहा, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया आस्कर के अंदर, फिल्म फेयर के अंदर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर। तो ये एक काफ़ी यानी ये एक अलग टॉपिक है, इसलिए हमने इनको सोचा कि हम इनको एक अलग वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में कवर करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और आपको उसमें प्रॉब्लम होती। तो इसीलिए हमने जो सभी फिल्म पुरस्कार हैं उनको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे कल की क्लास में, आस्कर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और बात करें अगर हम खेल से जुड़े पुरस्कारों के बारे में, तो देखिए जो खेल के अवार्ड हैं वो उस दिन जब नाम बदला गया है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया, तो उसी दिन हमने जो भी अन्य खेल पुरस्कार हैं सभी को डिटेल में कवर किया है, तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। और पुरस्कार से रिलेटेड यानी अवार्ड से रिलेटेड सभी वीडियोज आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, एक ही प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप उनको अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने नॉलेज को इन्हेंस इम्प्रूव कीजिए। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें किसी भी वीडियो में, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।